क्या आपको पता है कि संस्कृत भाषा की 2000 साल पुरानी गुत्थी भारत के डॉक्टर ऋषि राजपोपट ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रह करके सुलझा ली है। संस्कृत के विद्वानों के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये पहेली अबूझ बनी हुई थी, लेकिन अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे एक भारतीय छात्र ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है। संस्कृत के व्याकरण से जुड़ी इस गुत्थी को 27 साल के भारतीय छात्र ऋषि राजपोपट ने आखिरकार सुलझा दिया है। जहां पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने संस्कृत भाषा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 27 वर्ष के इस छात्र का नाम है ऋषि राजपोपट और उसने संस्कृत व्याकरण के 2500 वर्ष पुराने एक नियम को डीकोड कर लिया है, जिसे अब तक कोई डीकोड नहीं कर पाया था। हाल ही में वहां पीएचडी कर रहे एक 27 साल के छात्र ऋषि अतुल राजपोपट ने नया इतिहास रचा है। इस छात्र ने संस्कृत से जुड़ी एक समस्या को हल कर लिया है जिसने 5वीं शताब्दी। व्यूअर्स, अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक एक इंडियन स्टूडेंट है जिसका नाम है ऋषि राजपोपट, उन्होंने 2500 साल पुराना फॉर्मूला पनीनी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थीसिस के कंक्लूजन में डीकोड कर दिया है और ये फार्मूला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वर्ल्ड में पहली दफ़ा ये फार्मूला डीकोड किया है किसी ने और एक इंडियन स्टूडेंट ने किया है। बाकी हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर के ममालिक पे तो जाते हैं, लेकिन इस तरह की न्यूज़ कभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं सुनने को मिली। जहाँ बेसिकली यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेसिकली सवाल ये था कि हमारे भी स्टूडेंट्स बाहर हैं, लेकिन एज सच हमें अभी तक कोई इस तरह से न्यूज़ सुनने को नहीं मिली कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ने कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट की हो, वहाँ पर डिस्कवर की हो या कुछ ऐसा फार्मूला डीकोड किया हो जिसकी वजह से इंटरनेशनली उनकी तारीफ की जा रही है। नहीं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कई जगह पे प्रेफर कर चुके हुए हैं। विद टाइम आपको कई जगह पे वो भी नज़र आएंगे, विद टाइम कई जगह पे आपको इंडियंस नज़र आएंगे, कहीं पे आपको एशियंस नज़र आएंगे। सिर्फ बात इसकी है कि अभी वो इंडियंस हाईलाइटेड हैं, पाकिस्तानी हाईलाइटेड है। अभी टॉप पोजीशंस में आप कह लें कि इंडियंस हैं बैठे हुए, मैनेजमेंट में इंडियंस बैठे हुए हैं, वो प्रेफर करते हैं अभी। इससे पहले की अगर बात करें, पहले भी आप देख पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के नाम आपको वहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन अब विद द टाइम आप देखें टॉप मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इंडियंस ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा वहाँ पे आपको इंडियंस नाम नज़र आएंगे। यह तो बाहर के ममालिक में अगर इंडियन और पाकिस्तानी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो हमेशा इंडियंस को चुनते हैं ये कहकर के पाकिस्तानीज आर नॉट प्रोफेशनल, उनमें स्किल्स नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं करता कि वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी के ऊपर, वो स्किल्स को वैल्यू करते हैं। अगर इंडियंस में वो स्किल उस वक्त कंपेयरिंग ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली वो स्किल्स को वैल्यू करेंगे। यहाँ पे आपको अगर नामवर देखने हैं तो आप डांस की वीडियो देख सकते हैं या नारे देख सकते हैं, टैलेंट सिर्फ वही रह गया यहाँ पर। अच्छा। बिल्कुल, आप इस डांस की वीडियो आपने 2 दिन में 3 करोड़ कमा लिए किस टैलेंट पर? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो ज़ीरो है। अच्छा। आने वाली जनरेशन तो फिर वो आपकी वीडियोस और टिकटॉक तो प्रेफर करेंगे, एजुकेशन को तो प्रेफर नहीं करेंगे। इसके पीछे आप यूरोप को कह सकते हैं कि वो उन स्टूडेंट्स को कैश करते हैं, उन स्टूडेंट्स से जो यहाँ पे वैल्यू नहीं करते या यहाँ पे वो काम नहीं ले सकते वो यूरोप में लेते हैं। बताओ, अच्छा, पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे जवान जो है वो बाहर खुद जाते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को वो लोग खुद अप्रोच करके बुलाते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो लड़के हो, इवन उनके ट्रांसजेंडर तक सीईओस बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उसको वैल्यूज़ नहीं करते, वहाँ पे अगर उनको प्लेटफॉर्म दिया गया कुछ शो करने के लिए वो स्किल्स शो करेंगे, हाईलाइटेड हुए तो बाहर बुलाया, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किए गए, तो जिस वजह से वो काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर जाना प्रेफर करते हैं, बाहर जाके अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। देखिए, वो कर सकते हैं, आप ये ना देखें कि इंडियन स्टूडेंट ने किया है, आप ये देखें कि वहाँ उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ जो उनका जो नेशनल इन्वायरमेंट है, वहाँ एक टेक्नोलॉजी का वहाँ राज है, वहाँ मईशत बेहतर है, वहाँ सियासत बेहतर है और उनकी जो एक फेडरलिज्म है वो बड़ी एक स्ट्रांग फेडरलिज्म है। इंडियंस की, इंडियन मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया या हम ऐसा सोच भी क्यों नहीं सकते। देखें, ऐसी बात है कि उसको अंग्रेज़ी में एक कहते हैं कि किचन माइंडसेट। अभी तक हम लोग इस चीज़ से ही बाहर नहीं निकले कि हमने हमारा खाना हमारा पूरा हो। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो हमारे भी स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक में पढ़ने गए हैं, चाइना गए हैं, बहुत से मुल्कों में गए, लेकिन आज तक कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की गई जिनके जानिब से कि वर्ल्ड खुद उठकर सैल्यूट करे, क्या कहेंगे? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ये भी आप ठीक कह रही हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अमेरिका की एक रिपोर्ट थी, उसमें एक तनासब उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था, उन्होंने कहा भाई जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिकन या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कितना रेशो है,
इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उनकी रेशियो डेफिनेटली उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन हम लोगों की वहाँ तादाद बहुत कम है। आप देखिए तादाद अगर हम क्वान्टिटी को देखते हैं ना, तो क्वान्टिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर्स अलॉट। जी क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन आप ये देखें कि आप आपको बैकिंग किस लेवल की है, ठीक है, आपको आपका कंट्री किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से जो HEC के जो स्कॉलरशिप लेके स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो अपने तक सिर्फ उनकी अप्रोच है, वो कंट्री का सोच ही नहीं रहे या उस लेवल की उनकी अचीवमेंट की तरफ उनका ख्याल ही नहीं जाता जहाँ पे उनकी कंट्री की प्रेस्टीज की बात की जाए, जहाँ उनकी इस लेवल की कोई कंट्रीब्यूशन हो जो यहाँ पे आप और हम यहाँ खड़े होकर उनको डिस्कस कर सकें, ठीक है। ये इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी। अच्छा सर, जिस तरीके के ब्रेन्स हम देख रहे हैं कि इंडिया से निकल के आ रहे हैं, आप देखिए CEOs की गद्दियों पर वो लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि प्रेडिक्शन जो की जा रही है कि वो तीसरे नंबर पर आने वाले हैं, जिस तरीके से वो लोग डॉलर को रिप्लेस करने का टारगेट रखते हैं, मतलब अपने मोरल्स हाई रख रहे हैं, अपने टारगेट्स हाई रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता कि वो आगे आएँ और अपना टैलेंट शो करें। आपको पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ते हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जैसे दूसरों को मिलती हैं, फिर वो इतना नाम क्यों नहीं बना पा रहे बाहर के मुल्कों में? बाहर के मुल्कों में नाम इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती उतना जितनी दूसरे मुल्कों की हुकूमतें उनको सपोर्ट करती हैं। वहाँ पर तो उनकी हुकूमत सपोर्ट करेगी ना पाकिस्तानियों को? मे बी पाकिस्तानियों की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। कैसी इमेज है? आई डोंट थिंक सो अच्छी है, क्योंकि कई लोग वहाँ जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से दूसरे पाकिस्तानी जो अच्छे होते हैं वो बदनाम होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे? जैसे कि लास्ट टाइम जर्मनी में कई पाकिस्तानी लोग गए थे और उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया था जर्मन लड़कियों के साथ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब खौफ ज़्यादा हो गया है पाकिस्तानी लोगों से और उनको बहुत अवॉइड करते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले आज तक इंडिया का ही हाथ है काफ़ी ज़्यादा।